ऑडियो बुक जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जीसस क्राइस्ट की हिस्ट्री लेके आए हैं। इस वीडियो में हमने ईसा मसीह के लगभग पूरे जीवन की कहानी को कवर किया है और क्रिश्चियन धर्म का कैसे उदय हुआ वो भी विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं ईसा मसीह की जीसस क्राइस्ट बनने की कहानी। जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं, ताकि तुम उस परमेश्वर की संतान बन सको जो स्वर्ग में है, क्योंकि ईश्वर के सूरज की रोशनी बुराई और अच्छाई दोनों पर पड़ती है। वो न्याय करने वाले और अन्याय करने वाले दोनों पर बारिश करता है। जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने लोगों को अपने दुश्मनों से भी प्यार करना सिखाया, जिन्होंने सिखाया कि पाप से नफरत करो लेकिन जिसने पाप किए हैं उसे माफ करो, एक ऐसा मसीहा जिन्होंने लोगों के पापों को अपने सिर पर लिया और हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, जिसे ये पूरी दुनिया जीसस क्राइस्ट के नाम से जानती है, जिन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो लिबरल था और उसे नाम दिया गया क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी आज दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म है। पूरे विश्व में क्रिश्चियन धर्म के करीब 2.4 बिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 31% हिस्सा है। करीब 2000 साल पहले यरूशलेम से जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। यह धर्म जीसस क्राइस्ट की टीचिंग यानी उनके उपदेशों पर बेस्ड है। जीसस ने जो बातें बताई और सिखाई, क्रिश्चियन रिलीजन के फॉलोअर्स उन बातों को फॉलो करते हैं। जीसस के इस दुनिया में आने की भविष्यवाणी कई 100 साल पहले हो चुकी थी। उनका इस दुनिया में आना तय था। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को धरती पर इसीलिए भेजा गया ताकि जो भी गलतियां धरती पर इंसान से हो रही हैं उन्हें सुधारा जा सके, यानी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जीसस क्राइस्ट को भेजा गया। लोगों ने जीसस की ग्लोरी को देखा और उनके गवाह बने और उनके साथ जुड़ते चले गए। जीसस खुद को गॉड का बेटा बताते थे। जीसस एक मिरेकल के जरिए दुनिया में आए थे और बाद में उनके मिरेकल्स लोगों को अचंभे में डाल देते थे। मरे हुए इंसान को जिंदा करने से लेकर महज 5 रोटियों से 5000 लोगों तक का पेट भरने तक उनके मिरेकल्स के अनगिनत किस्से हैं। उनकी पॉपुलैरिटी को इस बात से भी समझ सकते हैं कि यीशु जहां पर जाते थे उनके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन उनकी ये पॉपुलैरिटी जूइश लोगों को खटक रही थी और इस वजह से जूइश प्रीस्ट जीसस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगे। जीसस का क्रूसिफिकेशन भी जूइश प्रीस्ट की उसी कॉन्स्पिरेसी का यानी साजिश का हिस्सा था, लेकिन जीसस का यही क्रूसिफिकेशन ही क्रिश्चियनिटी का बेस बना। इसके बाद ही क्रिश्चियन रिलीजन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। जीसस क्राइस्ट का जन्म और उनका बचपन, बर्थ ऑफ सन ऑफ गॉड। यरूशलेम का एक छोटा सा शहर बेथलहम, जहां जन्म हुआ एक ऐसे मसीहा का जिसने पूरी दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाया, जिसके इस दुनिया में आने की कहानी को गॉड ने खुद लिखा, जो इस दुनिया से पाप को खत्म करने के लिए खुद सूली पर चढ़ गए, जिसे सन ऑफ गॉड कहा गया। वो आगे चलकर जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह और यीशु के नाम से जाने गए। यीशु ने अपनी लाइफ में कई मिरेकल्स किए और कई लोगों के दुखों को दूर किया। जीसस क्राइस्ट वो अस्तित्व हैं जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की नींव रखी। उन्हें क्रिश्चियनिटी का जनक या फाउंडर कहा जाता है। इन्हें जीसस ऑफ गैलीली या जीसस ऑफ नाजरत भी कहा जाता है। नाजरत और गैलीली दो टाउन हैं। पहले के जमाने में ये कल्चर था कि वहां लोगों को उनकी जगह के नाम से जाना जाता था। जीसस क्राइस्ट को जीसस ऑफ नाजरत और जीसस ऑफ गैलीली कहने के पीछे एक बड़ा कारण था। मदर मरियम, जिन्होंने यीशु को जन्म दिया था, वो नाजरत से थीं, जबकि उनके पिता जोसेफ गैलीली से थे।
जेरूशलम के बेथलहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। कहते हैं कि जब मदर मेरी प्रेग्नेंट थी, उस वक्त वो अपने पिता जोसेफ के साथ नाजरत जा रहे थे। तभी रास्ते में मदर मेरी को लेबर पेन होने लगा और वो लोग बेथलहम में ही रुक गए। बेथलहम में उन्हें रुकने की कहीं जगह नहीं मिली। तब एक गरेड़िए ने उन्हें अपने अस्तबल में रहने की जगह दी, जहां पर कड़कड़ाती ठंड के बीच एक बच्चा पैदा हुआ जिसे नाम दिया गया यीशु। कहानियों में कहा गया है कि जब यीशु पैदा हुए थे, उस वक्त फेरी गॉड, उन्हें देवदूत भी कहते हैं, उन्होंने आकर चरवाहों को एक बच्चे के जन्म के बारे में बताया और कहा कि आगे चलकर वो सबका मसीहा बनेगा। ये खबर सुनकर चरवाहे तुरंत उस जगह पर पहुंचे जहां यीशु पैदा हुए थे। जिसने भी यीशु के बच्चे वाले रूप को देखा, वो हैरान रह गया। उनके चेहरे पर एक ऐसा ग्लो था जो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। उन चरवाहों समेत ईश्वर के दूतों ने भी जीसस के पैदा होने को वेलकम किया और ये बात सभी जगह फैल गई कि सन ऑफ गॉड का जन्म हुआ है। यीशु के जन्म के बारे में कई मतभेद हैं। मैथ्यू और ल्यूक के गॉस्पेल्स में उनके जन्म की दो अलग अलग बातें बताई गई हैं। मैथ्यू ये दावा करते हैं कि यीशु का जन्म 4 ईसा पूर्व हेरोड द ग्रेट की डेथ के करीब 2 साल पहले हुआ था, जबकि ल्यूक का दावा है कि 6 CE में यीशु का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि यूसुफ, जिन्हें यीशु का पिता कहा जाता है, वो उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। जीसस क्राइस्ट की मदर को मेरी द वर्जिन भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो कुंवारी माँ बनी थी। मदर मेरी को खुद भगवान के दूत गैब्रियल ने ब्लेसिंग्स दी थी और कहा था कि वो ईश्वर के बेटे को जन्म देंगी और उस बच्चे का नाम यीशु रखने के लिए कहा गया था। कहने का मतलब ये है कि भगवान के आशीर्वाद के रूप में इनका जन्म हुआ था। धरती पर जो उनके पिता थे जोसेफ, वो एक कारपेंटर थे। कहा जाता है कि बेथलहम में जहां यीशु पैदा हुए, उस जगह पर किंग हेरोड का शासन था। किंग हेरोड ने कई बच्चों का नरसंहार किया था। एक प्रेडिक्शन में कहा गया था कि एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो रोमन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। जब हेरोड द ग्रेट को अपना किंगडम जाने का डर सताने लगा था, तब उन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि यीशु के जन्म के जगह का पता लगाया जाए। और किंग हेरोड ने अपने राज्य में 2 साल तक की एज के बच्चों को मारने का ऑर्डर दे दिया था, जिससे बचने के लिए मदर मेरी और उनके पिता जोसेफ यीशु को लेकर इजिप्ट चले गए। और जब द ग्रेट हेरोड की डेथ हुई, उसके बाद फिर से नाजरत में जाकर बस गए, जहां इनका बचपन बीता। जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता से कारपेंटर का काम सीखा। ये भी कहा जाता है कि अपनी यंग एज में जीसस कारपेंटर ही थे। 12 साल की उम्र तक जीसस नाजरत में ही रहते थे। जीसस के पेरेंट्स जूश थे, जो जुडाइज्म को फॉलो करते थे। यीशु को रिलीजन पर डिस्कस करना अच्छा लगता था। वो बचपन से ही यरूशलम के टेंपल में अपने पेरेंट्स के साथ जाया करते थे। यीशु को अक्सर टेंपल में यहूदी प्रीस्ट के साथ ज्ञान पर चर्चा करते देखा गया था। जीसस को जुडाइज्म में कई कमियां नजर आई, जिसे वो रिफॉर्म करना चाहते थे। यहूदी प्रीस्ट भी उनकी नॉलेज को देखकर हैरान थे। लेकिन जब जीसस 13 के हुए, तो वो कहीं चले गए। इस बात का पता किसी को नहीं था कि जीसस आखिर कहां गए, ना ही बाइबल में इस बात का कोई भी जिक्र मिलता है। लेकिन जब जीसस 30 के हुए और नाजरत वापस लौटे, तो ऐसा क्या हुआ कि वो सबके मसीहा बन गए? लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानने लगे। नाजरत का जीसस कैसे बना मसीहा? जीसस ऑफ नाजरत से लेकर लोगों का मसीहा बनने तक का सफर आसान नहीं था। ये एक लंबा स्ट्रगल था। जैसा कि हमने आपको बताया कि 13 से लेकर 29 साल की उम्र तक जीसस कहां थे, इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन जब जीसस 13 साल के हुए थे, तो वो यरूशलम लौटकर वापस आए। एक दिन उन्होंने सुना कि एक संत हैं जॉन, जिनके उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग पहुंचते हैं, उन्हें यूहन्ना भी कहा जाता है। जीसस उनके पास पहुंचे। जिस तरह से यूहन्ना गॉड के बारे में लोगों को बताते थे, उन्हीं बातों से जीसस बहुत इंस्पायर हुए थे और उन्होंने बैप्टिज्म लेने का मन बना लिया था। तब जॉन द बैप्टाइज ने जीसस क्राइस्ट को
बैप्टिज्म दिया। जॉर्डन नदी के किनारे जीसस को बैप्टाइज किया गया। बैप्टिज्म यानी कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म के प्रचारक बन जाना, उस धर्म को दिल से एक्सेप्ट करना और गॉड से पूरी तरह जुड़ जाना। क्रिश्चियनिटी में पानी में डुबकी लगाकर बैप्टिज्म लिया जाता है, जिसमें प्रीस्ट लोगों को बैप्टिज्म दिलाते हैं और इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। बैप्टाइज होने के बाद जीसस 40 दिन के लिए ज्यूडियन डेजर्ट में फास्ट करने के लिए चले गए। इन 40 दिनों के दौरान यीशु ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट के बारे में लिखा है, शैतान ने जीसस की परीक्षा ली। शैतान ने जीसस को हर तरीके से बहलाने की कोशिश की। उसने उन्हें धन, दौलत और राज्य का लालच दिया, लेकिन जीसस ने हर चीज से इनकार कर दिया और वो पूरी तरह से होली स्पिरिट बनकर गैलिली वापस लौटे। इन 40 दिनों के दौरान उन्हें ईश्वर का ज्ञान मिला और उसके बाद जीसस ने धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पर जाना शुरू किया और गॉड के मैसेज को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। यहीं से जीसस क्राइस्ट की अर्ली मिनिस्ट्री की भी शुरुआत होती है। बैप्टिज्म लेने के बाद सबसे पहले जीसस अपने 12 शिष्यों की खोज में निकल गए, जिन्हें 12 डिसिपल्स भी कहा जाता है। उन्हें इकट्ठा करके जीसस अपने शिष्यों के साथ गैलिली, पीरिया और जूडिया की कई जगहों पर पहुंचे। जीसस ने पूरे 3 साल अपने आसपास के इलाकों में उपदेश दिए और लोगों को हील करना शुरू कर दिया। उनकी टीचिंग पर लोगों का गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से इनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। यहूदी जो खुद को रोमन एम्पायर का गुलाम समझते थे, 4 सदियों से एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें इस गुलामी की जंजीरों से छुड़ाएगा। एक भविष्यवाणी में कहा गया कि एक दिन एक ऐसा मसीहा आएगा जो लोगों को परमेश्वर के पास जाने का रास्ता दिखाएगा। इसी बीच जीसस उन लोगों के बीच अपनी टीचिंग को लेकर पहुंचे, जो बहुत ही सरल भाषा में थी और लोगों को आसानी से समझ में आती थी। यीशु अक्सर यहूदियों के फेस्टिवल पासओवर को मनाने के लिए यरूशलेम के टेम्पल जाया करते थे। ये पासओवर फेस्टिवल आज भी यरूशलेम में मनाया जाता है, जो कि करीब 7 दिनों तक चलता है। खैर, अभी बात करते हैं जीसस की। तो जीसस अक्सर यहूदियों के टेम्पल जाया करते थे। जब जीसस यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ ट्रेडर्स और मर्चेंट्स वहां कुछ सामान बेच रहे थे। वहां बैल, भेड़, बकरियां, कबूतर और सोना चांदी बेचा जा रहा था। तब उन्होंने ट्रेडर्स के सारे सामानों को फेंक दिया और कहा कि ये भगवान का घर है और तुम लोग यहां व्यापार कर रहे हो। जीसस क्राइस्ट ने कभी यहूदी धर्म को पूरा नहीं माना। जीसस का कहना था कि इस धर्म में बहुत बदलाव की जरूरत है। वो टिपिकल रिचुअल से ज्यादा अच्छे कर्म करने और भलाई के रास्ते पर चलने में ज्यादा विश्वास करते थे और लोगों को भी जीसस क्राइस्ट ने यही करना सिखाया। जिस तरह से जीसस मिरेकल्स किया करते थे और लोगों की सेवा किया करते थे, उसने लोगों को बहुत इंस्पायर किया। जीसस क्राइस्ट हर उस इंसान की मदद करते थे जो कमजोर था। बीमार लोगों को वो बिल्कुल ठीक कर देते थे। यरूशलेम, गैलील, बेथलहम, नाजरेत समेत आसपास के इलाकों में उनकी खूब चर्चा होने लगी। उनके उपदेश या प्रवचनों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। जनता उन्हें नबी मानने लगी। हिब्रू भाषा में इसका मतलब होता है मसीहा। लोगों के बीच अब ये उम्मीद जग चुकी थी कि यीशु ही वो मसीहा हैं जो उन्हें नेकी का रास्ता दिखाएंगे और रोमन एम्पायर से बचाएंगे। लेकिन उनकी इस लगातार बढ़ रही पॉपुलैरिटी ने यहूदी फैनेटिक्स के साथ साथ रोमन एम्पायर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्हें सत्ता जाने का डर सताने लगा। उन्हें जीसस क्राइस्ट कब से कहा जाने लगा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जिसका जिक्र गॉस्पल्स ऑफ मार्क, गॉस्पल्स ऑफ ल्यूक और गॉस्पल्स ऑफ मैथ्यू में है। एक बार जीसस ने अपने एक डिसाइपल यानी कि शिष्य से पूछा कि मैं कौन हूं। तब उनके एक शिष्य पीटर सामने आए और कहा कि क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जिसका मतलब होता है मसीहा। इससे जीसस ने खुश होकर कहा कि वो क्राइस्ट के इस टाइटल को एक्सेप्ट करते हैं
और उसके बाद से ही यीशु को जीसस क्राइस्ट के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्य पीटर को एक चर्च का पोप बना दिया। आज भी कैथोलिक चर्च में पोप का पद सबसे बड़ा माना गया है। इसकी शुरुआत जीसस क्राइस्ट ने ही की थी। जीसस के लोगों का मसीहा बनने का सबसे बड़ा कारण था उनके मिरेकल्स, यीशु के चमत्कार, मिरेकल्स ऑफ जीसस। यीशु का इस दुनिया में आना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाइबल में उनके चमत्कारों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जीसस जो मिरेकल्स किया करते थे वो बड़े बड़े यहूदी प्रीस्ट और प्रोफेट्स के बस की बात नहीं थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें ईश्वर का दर्जा देने लगे थे। जीसस ने अपना सबसे पहला मिरेकल काना में किया था, जिसका द गॉस्पेल्स ऑफ जॉन में भी जिक्र मिलता है। काना में जीसस को उनकी माँ और 12 शिष्यों के साथ एक शादी में बुलाया गया था। शादी में मेहमानों को पिलाने के लिए वाइन खत्म हो चुकी थी। लड़की की माँ ने यीशु के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। तब यीशु 5 पानी से भरे मटकों को दाखरस यानी हाई क्वालिटी वाइन में बदल देते हैं। फिर सैकड़ों लोगों में वो दाखरस बांटा गया। अपने शिष्यों के सामने किया गया ये जीसस का पहला मिरेकल था। इसके बाद जीसस क्राइस्ट अपनी माँ और शिष्यों के साथ केपरनॉम चले जाते हैं। केपरनॉम में भी जीसस ने कई मिरेकल्स किए। नाजरत और यरूशलम के बाद जीसस ने अपनी मिनिस्ट्री केपरनॉम में बनाई। यहां उन्होंने कई मिरेकल्स किए। मत्ती, मरकस और ल्यूक के गॉस्पेल्स में लिखा गया है कि रोमन सूबेदार के एक सोल्जर को जीसस क्राइस्ट ने पूरी तरह ठीक कर दिया। यहां पर जीसस ने कई पैरालाइज्ड लोगों को ठीक किया था। कई लोगों के शरीर में कब्जा कर बैठी बुरी आत्माओं को भी बाहर निकाला था। पर ये तो जीसस के द्वारा किए गए मिरेकल्स की शुरुआत थी। गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू में जिक्र है कि एक बार जीसस केपरनॉम में अपने प्रिय शिष्य सेंट पीटर की मदर इन लॉ के घर में पहुंचे, जिन्हें बहुत तेज बुखार था। जीसस ने जैसे ही पीटर की मदर इन लॉ को छुआ तो वो पूरी तरह से ठीक होकर बिस्तर से उठ खड़ी हो गईं। कैनोनिकल के गॉस्पेल्स में लिखा है कि जीसस ने कई बीमार, दुखी और शरीर से लाचार लोगों को बिल्कुल ठीक किया। अंधापन, कोढ़ और मिर्गी जैसी बीमारियों को वो पलक झपकते ही ठीक कर दिया करते थे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि यीशु ने एक जन्म से अंधे इंसान को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। जीसस ने उसकी आंखों पर गीली मिट्टी लगाई और फिर उसे सिलोम के कुंड में अपनी आंखें धोने को कहा, जिसके बाद वो अंधा आदमी पूरी तरह से देखने लगा था। यीशु ने कहा था कि ये इंसान अपने माँ बाप के पापों की सजा भोग रहा था। जीसस एक के बाद एक मिरेकल कर रहे थे। ये सभी बातें यहूदियों तक पहुंच रही थीं। यीशु की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी। ये यहूदियों के लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। चलिए उनके एक और मिरेकल के बारे में बताते हैं। एक बार एक पैरालाइज्ड इंसान को यीशु के पास लाया गया। तब उन्होंने उस बीमार इंसान को चटाई पर लिटाया और उसके बाद यीशु ने उस इंसान को चटाई से उठकर चलने के लिए कहा। उस इंसान ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने कहा और वो बिल्कुल ठीक होकर चलने लगा। गॉस्पेल्स में ये भी जिक्र मिलता है कि यीशु ने मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर दिया था, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल बात थी। गॉस्पेल्स ऑफ ल्यूक में लिखा है कि एक बार एक विधवा औरत के बेटे को दफनाने के लिए ले जाया गया। उसी समय वो औरत जीसस के पास पहुंची और उसके इकलौते बेटे को जिंदा करने के लिए भीख मांगने लगी। तब यीशु कॉफिन के पास पहुंचे और उस मरे हुए इंसान को उठने के लिए कहा। वो इंसान उठ खड़ा हुआ। यीशु का ये चमत्कार देखकर लोग उन्हें ईश्वर मानने लगे थे। वहीं एक दूसरे इंसिडेंट में एक बार उन्होंने अपनी करीबी दोस्त को मरने के 4 दिन बाद जिंदा कर दिया था। जीसस को सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते थे। जीसस का अट्रैक्शन कुछ ऐसा था कि लोग उनके पीछे हो लिया करते थे। एक बार 5,000 लोग जीसस के पीछे हो चले थे, लेकिन उनके पास इन 5,000 लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तब उनके शिष्यों में से एक सामने आए
जिनके पास 5 रोटियां और कुछ मछलियां थीं। यीशु ने रोटियां ली और परमेश्वर को इस खाने के लिए थैंक यू कहा और उन रोटियों को लोगों के बीच में बांट दिया। अचानक से वो 5 रोटियां इतनी हो गईं कि 5,000 लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। इनके इस चमत्कार से लोगों को बहुत अचंभा हुआ और उन्हें लोग मसीहा कहकर पुकारने लगे। यीशु के अनगिनत चमत्कार थे। कहा जाता है कि जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गैलिली समुद्र को पार कर रहे थे, तब अचानक से आंधी और तूफान आने लगा और जोर जोर से हवाएं चलने लगीं। सागर में भयानक लहरें उठने लगीं। तब उन्होंने आंधी को रुकने का आदेश दिया और कहा कि ठहर जा, और तब अचानक समंदर में खामोशी छा गई। वहीं बाइबल में जीसस के समंदर की लहरों पर चलने का भी जिक्र मिलता है। जिस तरह से जीसस के मिरेकल्स की वजह से लोगों को उन पर विश्वास होने लगा, उसी तरह से उनके उपदेश, उनकी टीचिंग लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी और लोग खुद को गॉड के करीब महसूस करने लगे। जीसस के उपदेश, टीचिंग ऑफ जीसस। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहा गया है और बाइबल में भी इसी बात का जिक्र मिलता है कि उनका जन्म भगवान के आशीर्वाद के तौर पर हुआ था। कई भविष्यवाणियों में उनके आने का ऐलान सदियों पहले ही किया जा चुका था। लोगों का मानना था कि उनका जन्म इस दुनिया में लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए हुआ है। जीसस क्राइस्ट कहते थे कि पाप से नफरत करो, पापियों से नहीं, क्योंकि पापियों को पाप करने से रोका जा सकता है, उन्हें सही रास्ता दिखाया जा सकता है। वो कहते थे कि उनका जन्म लोगों के पापों को दूर करने के लिए हुआ है, पनिशमेंट देने के लिए नहीं। वो कहते थे कि आपने अपने जीवन में कितने भी पाप किए हैं या बुरे काम किए हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो, तभी भगवान आपको माफ करेंगे। उनका यकीन था कि अपने जीवन में किए गए हर छोटे बड़े गुनाह की माफी गॉड से जरूर मांगनी चाहिए। जीसस क्राइस्ट के उपदेशों के कारण ही गॉड के सामने पापों के कन्फेशन की शुरुआत हुई थी। आपने देखा होगा कि चर्च के अंदर एक कन्फेशन एरिया होता है जहां क्रिश्चियन फॉलोअर्स जाकर फादर या जीसस के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसकी शुरुआत जीसस क्राइस्ट ने की थी। जीसस कहते थे कि अगर आपको हेवन में जाना है, यानी कि ईश्वर के स्वर्ग में जाना है, तो आपको गॉड के बताए रास्ते पर चलना होगा। वो अपने उपदेश में हमेशा कहते थे कि गॉड के हेवन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये सिर्फ अमीर या पावरफुल लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर वो इंसान जो ईश्वर के बताए रास्ते पर बिलीव करेगा, उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जीसस क्राइस्ट ने अपने पूरे जीवन में हजारों लोगों की सेवा की और उन्होंने लोगों को दूसरों की सेवा करने के रास्ते पर चलना सिखाया। जीसस कहते थे कि हर उस शख्स की मदद करो जो बेबस, लाचार, गरीब और बीमार है। उनके बताए गए उपदेश लोगों के दिलों तक पहुंच रहे थे और उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जुडाइज्म को मानने वाले लोग भी उस रिलिजन को छोड़कर जीसस की बातों को मानने लगे और जीसस से जुड़ने लगे। जनता को ये लगने लगा था कि जीसस ही वो मसीहा हैं जो रोमन एम्पायर के टॉर्चर और स्लेवरी, यानी कि गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। और आगे चलकर हिस्ट्री में आप देखेंगे कि यरूशलम से रोमन एम्पायर पूरी तरह खत्म हो जाता है और वहीं रोमन एम्पायर जीसस क्राइस्ट के टीचिंग्स को एक्सेप्ट करता है। जीसस के कई उपदेश जो आज भी लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उनके बाइबल में लिखे कुछ उपदेश हैं जो हम आपको सुनाते हैं। जीसस अपने शिष्यों को और उन्हें मानने वाले लोगों को कहते थे कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा, मतलब जैसे मेरे पिता परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, उसी तरह मैं संसार के हर इंसान से प्रेम करूंगा। जीसस अपनी टीचिंग के दौरान अक्सर कहते थे कि ये समझो कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा, मैं इस समय के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो कहते थे कि ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। अगर कोई आवाज को सुनता है और दरवाजा खोलता है, तो मैं उसके अंदर जाऊंगा।
उनका कहना था, जो भी तुमसे कुछ मांगता है तुम उसे दो, कोई तुम्हारा सामान ले जाए तो उसे दोबारा मत पूछो, और जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वैसा ही व्यवहार उनके साथ करो। उन्होंने लोगों को एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाया था। यीशु कहते थे कि खुद पर भरोसा रखो, कभी किसी परेशानी को अपने आप पर हावी मत होने दो, बस केवल ईश्वर में विश्वास बनाए रखो, जिसका मीनिंग है कि खुद पर भरोसा करने वाला इंसान जीवन में कभी दुखी नहीं रहता और उसकी लाइफ में उसे हर वो चीज मिलती है जिसे वो पाना चाहता है। ज्यादा पैसा इकट्ठा मत करो, जरूरतमंद लोगों को दान करो। चोरी करना और झूठ बोलना पाप है, इसलिए हमेशा ईश्वर के आदेशों को मानो। जीसस हमेशा कहते थे कि लाइफ में पैसा इकट्ठा करने से ज्यादा जरूरी है सही रास्ते पर चलना, और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको इन पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। मत्ती गॉस्पल्स में लिखा है, जिसमें जीसस ने कहा है, तू परमेश्वर में अपने सारे मन प्राण और बुद्धि से प्रेम रख, और वैसा ही प्रेम अपने पड़ोसी से भी रख। उसका मानना था, जो सच्चे दिल से ईश्वर को मानता है उनकी खोज करता है, ईश्वर उनके लिए अपने स्वर्ग के दरवाजे खोल देते हैं। जीसस ने मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया है। वो कहते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी जो खुद की मदद करता है उसकी भगवान भी मदद करता है। ऐसे कई मैसेज जीसस क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग के दौरान लोगों को दिए, जिसका लोगों पर काफी गहरा असर हुआ। जीसस के सरल भाषा में बोले गए उपदेश लोगों को समझ में आने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। लेकिन ये जूइश को बिल्कुल पसंद नहीं था। जुडाइज्म को मानने वाले उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। यहूदी प्रीस्ट का मानना था कि ईश्वर कभी भी इंसान के रूप में जन्म नहीं लेंगे, और जिस तरह से जीसस खुद गॉड को बेटा बताते थे वो इस बात को गलत मानते थे। जुडाइज्म के प्रीस्ट कहते थे कि जीसस को ईश्वर का प्रतिनिधि किसने बनाया है। इस तरह से जुडाइज्म के प्रीस्ट के बीच में यीशु के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली गई और वो जीसस के खिलाफ साजिश रचने लगे। आखिर जीसस के खिलाफ वो कौन सी साजिश रची गई जिसने सब कुछ बुरी तरह से पलट कर रख दिया? जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन। जीसस क्राइस्ट की लगातार बढ़ रही पॉपुलैरिटी से यहूदियों को तकलीफ होने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि अब तक जो सत्ता उनके हाथ में थी वो अब धीरे धीरे उनके हाथ से फिसल रही है। जुडाइज्म की तरफ लोगों का झुकाव कम हो रहा है, जिसकी वजह से जीसस को मानने वाले और जुडाइज्म को मानने वाले लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगी है। अपनी लाइफ का लास्ट वीक यानी कि आखिरी हफ्ता जीसस क्राइस्ट ने यरूशलेम में बिताया। चारों गॉस्पल्स में लिखा है, जीसस क्राइस्ट गधे पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे। तब तक जीसस के मिरेकल्स और उनकी टीचिंग्स का लोगों पर गहरा असर हो चुका था। लोगों ने जीसस को अपना किंग और गॉड मान लिया था। जीसस क्राइस्ट के यरूशलेम पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने हाथों में पाम ट्री की ब्रांचेस को लेकर उनका वेलकम किया। जीसस के आने की खुशी में लोग चिल्लाने लगे। जिस दिन जीसस यरूशलेम पहुंचे थे उस दिन संडे था, जिसे क्रिश्चियन रिलीजन के फॉलोअर्स हर साल पाम संडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन चर्च में खास प्रोग्राम और प्रेयर मीट रखी जाती है। तो जिस तरह से जीसस का वेलकम किया गया और लोगों में उन्हें लेकर जो दीवानगी देखी गई, उससे जूइश प्रीस्ट्स के बीच में खलबली मच गई। उन्हें अब लगने लगा था कि जिस ईश्वर पर वो खुद का अधिकार समझते हैं और यहूदी प्रीस्ट के जरिए ही लोग ईश्वर तक अपना मैसेज पहुंचा सकते थे, वो दर्जा अब उनसे छिन रहा था। उन्होंने जीसस पर कई तरह से आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो लोगों के बीच में गलतफहमी फैला रहे हैं, खुद को ईश्वर का बेटा बताकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और रोमन सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। उस समय यरूशलेम में रोमन किंग तिबेरियस का कब्जा था और उन्होंने पोंटियस पिलातुस को राज्य का गवर्नर बना दिया था। जीसस के मिरेकल्स और उनकी पॉपुलैरिटी से डरे हुए यहूदी कट्टरपंथियों ने गवर्नर पिलातुस को जीसस के खिलाफ भड़काने का काम किया। रोमन्स को डर लगने लगा था कि कहीं ना कहीं यहूदी क्रांति ना कर दें
उन्हें अपनी गद्दी छिन जाने का डर था, जिसके चलते गवर्नर पिदालुस ने जीसस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि उनके एक शिष्य जुदास ने 30 सिक्कों के बदले जीसस को धोखा दिया था और उसने जीसस प्रीस्ट और पिदालुस को जीसस के ठहरने की जगह बताई थी। वहां जाकर गवर्नर पिदालुस के सोल्जर्स ने जीसस को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद पिदालुस एक बार जीसस से मिले। जीसस की बातें सुनकर पिदालुस को उन्हें सजा देने जैसा कुछ भी नहीं लगा। तब उन्होंने यहूदी प्रीस्ट से कहा कि यीशु में मुझे सजा देने जैसा कोई क्राइम नजर नहीं आता है। तब यहूदी प्रीस्ट नाराज हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु को सजा दी जाए। तब रोमन एम्परर को डर लगने लगा कि कहीं यहूदी किसी तरह का कोई रिवॉल्यूशन ना कर दें। तब पिदालुस ने जीसस को क्रॉस पर टांगने की सजा सुनाई। क्रिश्चियन रिलीजन के स्क्रिप्चर होली बाइबल में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया गया था। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन पर केस चलाया गया और उन्हें कई क्राइम के लिए गिल्टी माना गया और सभी के सामने उन पर कोड़े बरसाए गए। यहूदियों की सभा में जीसस को मौत की सजा सुनाई गई। ईसा मसीह को चाहने वालों के सामने सूली पर लटकाने के आदेश दिए गए। एक बड़ा क्रॉस जिस पर यीशु को सूली पर लटकाया जाना था, उस भारी भरकम क्रॉस को उनके कंधे पर रखकर उन्हें पैदल उनके समर्थकों और चाहने वालों के बीच से निकाला गया। पूरे रास्ते उन पर कोड़े बरसाए गए। जीसस के दोनों हाथों और पैरों पर कील ठोक कर उनके मरने तक क्रॉस पर टांग दिया गया। क्रॉस पर लटकाने से पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, लेकिन मरते मरते भी यीशु ने किसी के लिए बुरा नहीं कहा। वो अंत तक यही कहते रहे कि ईश्वर इन्हें इनके पापों के लिए माफ करना। जिस वक्त ये घटना हो रही थी, उस वक्त उनकी माँ मैरी, मरियम मग्दलीनी और उनके शिष्यों समेत उनके चाहने वाले सैकड़ों लोग मौजूद थे। ईसाई ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि 30 एडी से 33 एडी के बीच जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया गया, उस दौरान क्रॉस पर जीसस ने 7 वचन कहे थे जो आज भी अमर हैं। ये 7 वचन क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला वचन, हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें इनके पापों के लिए माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, उस वक्त उनके साथ 2 लोग और भी थे जिन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। तब यीशु उनमें से एक अपराधी को कहते हैं, आज जब तू मरेगा तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा, क्योंकि मरते मरते भी उस इंसान ने जीसस में बिलीव किया था। तीसरा वचन, हे नारी, देख तेरा पुत्र और देख तेरी माता। ये वचन जीसस क्राइस्ट ने अपनी माँ और शिष्य को देखकर कहा था। जीसस क्राइस्ट को सूली पर देखकर उनकी माँ बहुत रो रही थीं। तब उन्होंने अपने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आज से यही तेरा बेटा है और तू इसकी माँ है। चौथा वचन, मैं प्यासा हूं। छठा वचन, पूरा हुआ। इस वचन का मतलब है कि जिस काम के लिए जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, वो काम अब पूरा हो चुका है। हम सभी अपनी लाइफ में एक एम रखें और उसे पाने की कोशिश करें। जीसस क्राइस्ट का 7वां वचन था कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इतना कहकर जीसस क्राइस्ट ने इस दुनिया से विदा ले ली। लेकिन जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी, वो ये कि ईसा मसीह इन घटनाओं को पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे। वो कह चुके थे कि किस तरह उन्हें सूली पर लटकाया जाएगा और कैसे वो वापस आएंगे। उन्होंने कहा था कि उन्हीं के 12 शिष्यों में से एक उन्हें धोखा देगा। अपने लोगों को जीसस ने पहले ही बता दिया था कि किस तरह से उन्हें यीशु के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाना है। ये सब बातें उन्होंने अपनी अंतिम भोज के दौरान कही थी, जिसे द लास्ट सपर कहा जाता है। अपने इस अंतिम भोज में जीसस ने 12 शिष्यों को बुलाया था और कहा था कि अब उन्हें उनके अधूरे कामों को पूरा करना होगा। जिस पहाड़ी पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था, उसे गोलगोथा के नाम से जाना जाता है। इसराइल की राजधानी यरूशलम में
आज ये स्थान ईसाइयों का होली प्लेस यानी कि एक पवित्र धार्मिक स्थल है। इसे हिल ऑफ द कैलवरी भी कहा जाता है। आज इस जगह पर चर्च ऑफ फ्लैजेलेशन है। यरूशलेम में उन्हें सूली पर चढ़ाने से लेकर गोलगोथा की पहाड़ी तक जीसस क्राइस्ट क्रॉस को अपने कंधे पर लेकर निकले थे। जिन 9 जगहों से होकर जीसस को ले जाया गया, आज वो सभी जगह हिस्टोरिकल और होली प्लेसेस हैं। जिस दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया उस दिन गुड फ्राइडे था, जिसे आज ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के रूप में हर साल मनाते हैं। ये दिन क्रिश्चियंस के लिए उपवास और प्रेयर का दिन होता है। इसे गुड फ्राइडे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जीसस ने अपने सभी बच्चों के पापों को अपने सिर पर ले लिया था और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उनके सभी पापों को माफ कर दिया था। गुड फ्राइडे के दिन क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं और ह्यूमैनिटी पर किए गए उनके सैक्रिफाइस को याद करते हैं। इस दिन चर्च में बेल नहीं बजाई जाती है, काले कपड़े पहनकर कैंडल मार्च निकाला जाता है। इस दिन लोग अपने पापों के लिए गॉड से माफी मांगते हैं। साथ ही इस दिन चर्च में सोशल वर्क भी किया जाता है। ये वो घटना थी जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया। और अब बात करते हैं जीसस के रिजरेक्शन यानी मरकर फिर से जिंदा होने की, जो कि उनके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने की यह घटना इतिहास में अमर हो गई। बाइबल में लिखा है कि सूली पर लटकाए जाने के बाद उनके एक शिष्य ने गवर्नर पितालुस से उनके डेड बॉडी को ले जाने की परमिशन मांगी। पितालुस की परमिशन पर जीसस का एक शिष्य जीसस के शव को एक गुफा में ले गया और ट्रेडिशन यानी रीति रिवाजों के साथ उन्हें दफन किया गया। उनकी कब्र पर एक पत्थर रख दिया, लेकिन 30 दिन बाद जीसस फिर से जिंदा हो गए। और ये घटना उनकी एक शिष्या मैरी मैग्डलन ने खुद अपनी आंखों से देखी। तब वो ईसा की कब्र के पास पहुंची तो वहां कब्र का पत्थर हटा हुआ था। वहां जीसस क्राइस्ट की बॉडी नहीं थी। उसने ये बात जीसस के शिष्यों को बताई। तब वो वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि अब यीशु वहां पर नहीं थे। तब वो शोक मनाते हुए वापस चले जाते हैं, लेकिन मैरी मैग्डलन वही कब्र के पास बैठकर रोने लगती है। तभी कब्र पर उसे 2 देवदूत दिखते हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जीसस जिंदा होकर उसके सामने खड़े होते हैं। उसके बाद जीसस अपने शिष्यों के बीच में पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। जीसस को अपने बीच देखकर उनके शिष्य घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि कोई भूत उनके सामने तो नहीं आ गया। लेकिन तब जीसस कहते हैं कि घबराते क्यों हो? अगर तुम्हारे मन में किसी तरह का शक है तो मेरे हाथों और पैरों को देखो, मैं वही हूँ। तब शिष्यों को उनके हाथों और पैरों में वो निशान नजर आते हैं जो क्रूसिफिकेशन के दौरान हुए थे। जीसस कहते हैं कि आत्मा का शरीर नहीं होता है, लेकिन तुम लोग मुझे छूकर देख सकते हो। यीशु के शिष्य उनके पास आकर उन्हें छूने लगते हैं। गॉस्पल्स ऑफ ल्यूक में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से पूछा कि किसी के पास कुछ खाने के लिए है। तब उनके शिष्यों ने उन्हें भुना हुआ मछली का टुकड़ा दिया, जिसे उन्होंने सबके सामने खाया। तब जीसस ने अपने शिष्यों को कहा कि गॉड के मैसेज को उन्हें लोगों तक पहुंचाना है। इसके बाद यीशु कहां चले जाते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन 40 दिन बाद जीसस फिर से नजर आते हैं और स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। जीसस का मरकर फिर से जिंदा होना एक बहुत बड़ा मिरेकल था। जिस दिन ईसा मसीह फिर से जिंदा हुए थे उस दिन को बाइबल में ईस्टर कहा गया है। दुनिया भर में क्रिश्चियंस जीसस के फिर से जिंदा होने की खुशी में ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। जिस जगह पर जीसस क्राइस्ट फिर से जिंदा हुए थे वहां पर आज चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर बना है, जो कि क्रिश्चियंस का होली प्लेस है। जीसस के यरूशलेम से आने से लेकर क्रूसिफिकेशन के बाद तक उनके फिर से जिंदा होने तक के टाइम को क्रिश्चियनिटी में होली वीक कहा जाता है। जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद उनके शिष्यों ने क्रिश्चियनिटी को फैलाने और उनकी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिनके नाम थे पीटर, एंड्रयू, जेम्स, जॉन, फिलिप, बर्थोलोमियो, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स, सेंट जुदास, साइमन द जिलॉट और मिथियाह। ये सभी शिष्य अलग अलग जगहों पर फैल गए
और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कई देशों की यात्राएं की। जीसस का ट्रांसफिगरेशन, द ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस। जीसस की मिनिस्ट्री के समय उनके फॉलोअर्स को उनके नए नए रूप देखने को मिले। किसी ने उन्हें मसीहा देखा तो किसी ने नबी, किसी के लिए जान बचाने वाले डॉक्टर के रूप में सामने आए तो किसी को दोबारा जिंदा करने वाले गॉड बनकर। लेकिन एक घटना जिसने उन्हें गॉड के बराबर लाकर खड़ा कर दिया वो था उनका ट्रांसफिगरेशन। ट्रांसफिगरेशन का मतलब होता है आपका शरीर पूरी तरह से बदल जाना, एक तरह से काया पलट हो जाना। सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में जीसस के ट्रांसफिगरेशन का भी जिक्र मिलता है, जो कि सभी क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू, मार्क और ल्यूक के गॉस्पल्स में लिखा है कि जीसस एक दिन अपने तीन डिसिपल्स को एक बार माउंटेन के टॉप पर ले गए। ये वो दिन था जिस दिन जीसस ने अपने 12 शिष्यों के साथ आखिरी बार खाना खाया था, जिसे द लास्ट सपर भी कहा जाता है। और उसी दिन जीसस ने शिष्यों को एक तरह अपना आखिरी उपदेश भी दिया था। तो इस दिन जीसस अपने तीन शिष्यों पीटर, जॉन और जेम्स के साथ माउंटेन पर थे और जीसस अपने शिष्यों के साथ प्रेयर करने लगे। तभी अचानक से जीसस का शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। उनका फेस सूरज की तरह चमकने लगता है, उनके शरीर से लाइट्स निकलने लगती है और एक तरह से उनके आसपास रोशनी का एक ऑरा सा बन जाता है। और कहा जाता है उस दौरान उनसे मूसा और एलाइजा दो प्रॉफिट मिलने आते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी भविष्यवाणी होती है जिसमें कहा है कि तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। इस पूरे इवेंट या घटना को ट्रांसफिगरेशन कहा जाता है। इसे क्रिश्चियन थियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट बोला जाता है। रोमन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स दोनों ही रिलीजन के लोग जीसस के साथ हुई ट्रांसफिगरेशन को मानते हैं और इस घटना से लोगों को पूरी तरह से यकीन हो गया कि जीसस ही ईश्वर के बेटे हैं। गॉस्पल्स में यह घटना जीसस के मिरेकल्स में से एक है। यह मिरेकल जीसस के 5 माइलस्टोन इवेंट में से एक था। पहला था जीसस का बैप्टिज्म। बाइबल में जिक्र है कि जीसस ने जॉन द बैप्टाइज के बैप्टिज्म लिया था, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि वो उनके उपदेशों और टीचिंग से बहुत प्रभावित थे। जॉर्डन नदी के किनारे जब जीसस को बैप्टाइज किया जा रहा था, तब आसमान से उड़ता हुआ एक सफेद कबूतर उनके कंधे पर आकर बैठ जाता है, जिसे होली स्पिरिट का रूप माना जाता है। और उसी वक्त भविष्यवाणी होती है कि मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्रिश्चियन रिलीजन में बिलीव करने वाला हर शख्स बैप्टिज्म को मानता है। उनका मानना है कि जब जीसस ने ईश्वर का बेटा होकर भी बैप्टिज्म लिया था, उन्हें भी पवित्र या होली बनने के लिए बैप्टिज्म लेना चाहिए। दूसरा था ट्रांसफिगरेशन, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और तीसरा मेन इवेंट था जीसस का क्रूसिफिकेशन। गॉस्पल्स में लिखा है कि सभी पापियों के पापों को जीसस ने खुद पर ले लिया था और अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो जिस दिन जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, उस दिन फ्राइडे था, इसीलिए इसको गुड फ्राइडे के रूप में हर साल मनाया जाता है। चौथा मेन इवेंट था उनका रिजरेक्शन, यानी कि मरकर फिर से जिंदा हो जाना। जीसस सूली पर चढ़कर भी वापस लौट आए थे। क्रूसिफिकेशन के 3 दिन बाद, यानी कि संडे को जीसस वापस जिंदा हो गए थे, जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं था। यहूदियों का इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी वो अपने चाहने वालों और शिष्यों के बीच वापस आए, वो भी पूरी तरह से ठीक होकर। तभी से इसे ईस्टर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाने लगा। पांचवा मेन इवेंट था जीसस का असेक्शन, जिसका मतलब है जब जीसस फिर से जिंदा हुए थे, उसके 40 दिन बाद वो हेवन में चले गए थे। तब जाते हुए यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं इस काल के, यानी समय के आखिर तक तुम लोगों के साथ रहूंगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर पर विश्वास करना है। इस इवेंट का जिक्र न्यू टेस्टामेंट में भी किया गया है। जीसस क्राइस्ट के लाइफ के 5 मेन इवेंट थे,
जिसे बाइबल का बेस कहा जाता है और क्रिश्चियनिटी की नींव भी। आज क्रिश्चियन रिलीजन के फॉलोअर्स इन बातों में पूरी तरह विश्वास करते हैं। द ट्रिनिटी। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन इसी भगवान के तीन एलिमेंट हैं। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले सभी लोग ट्रिनिटी के सिद्धांत पर बिलीव करते हैं। क्रिश्चियंस का ये बिलीव है कि अगर आप ट्रिनिटी के सिद्धांत को सही नहीं मानते हैं तो आप क्रिश्चियन बिल्कुल नहीं हैं। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि परमेश्वर या गॉड फादर सन और होली स्पिरिट के रूप में इस दुनिया के आखिर तक मौजूद हैं। द ट्रिनिटी वो कॉन्सेप्ट हैं जिनमें तीन ईश्वर हैं। पहला है पिता यानी कि गॉड, जिसकी लोग पूजा करते हैं। दूसरा है सन ऑफ गॉड, ईश्वर का बेटा, जो कि जीसस हैं, जिन्हें ईश्वर का बेटा कहा जाता है। और तीसरा है होली स्पिरिट, क्योंकि मरने के बाद भी जीसस फिर से जिंदा होकर लौटे थे। वहीं एक जगह बाइबल में यह जिक्र मिलता है कि जब जीसस क्राइस्ट बैप्टिज्म ले रहे थे, तब सफेद कबूतर के रूप में एक होली स्पिरिट उन पर आकर बैठी थी और गॉड की भविष्यवाणी हुई थी कि मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। और इस बात को भी ट्रिनिटी के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। ट्रिनिटी में तीन एलिमेंट की बात होती है, लेकिन तीन होने के बावजूद ये एक है, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से इन्हें ट्रिनिटी कहा जाता है। ट्रिनिटी में लोग ये मानते हैं कि ईश्वर इंसान के रूप में भी इस धरती पर आ सकते हैं, इसलिए वो जीसस क्राइस्ट को ईश्वर मानकर उन्हें फॉलो करते हैं। क्रिश्चियंस मानते हैं कि परमेश्वर एक हैं और वो तीन शक्तियों के रूप में मौजूद हैं। हालांकि बाइबल में ट्रिनिटी का जिक्र नहीं है, लेकिन इसके लिए एग्जाम्पल्स जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। गॉस्पल्स में कुछ लाइन से ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट का पता चलता है। मैथ्यू गॉस्पल्स में एक जगह लिखा है जिसमें जीसस कहते हैं कि जाओ और सभी राष्ट्रों में शिष्य बनाओ, उन्हें फादर सन और होली स्पिरिट के नाम पर बैप्टिज्म दिलाओ। तो इस तरह से हम ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से जानने के लिए आपको बाइबल में क्या लिखा है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगले एपिसोड में हम बाइबल के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे बनी और किस तरह से इसमें जीसस की लाइफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का जिक्र है। एपिसोड 9, होली बुक बाइबल। क्रिश्चियनिटी को जानने के लिए बाइबल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल ईसाइयों का सबसे बड़ा होली स्क्रिप्चर यानी कि पवित्र धर्म ग्रंथ है। बाइबल को 66 बुक्स को मिलाकर बनाया गया था। कहा जाता है कि बाइबल गॉड से इंस्पायर्ड है। बाइबल को लिखने के लिए गॉड की इंस्पिरेशन और इंसान की मेहनत दोनों शामिल हैं। क्रिश्चियंस बाइबल को वर्ड्स ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर के शब्द भी कहते हैं। क्रिश्चियंस इसमें लिखी हर बात को ईश्वर के शब्द मानते हैं। ह्यूमैनिटी और ज्यूज के लिए ईश्वर ने जो कुछ भी किया उसकी हिस्ट्री और डिस्क्रिप्शन के रिजल्ट के रूप में बाइबल इस स्वरूप में सबके सामने आई। बाइबल में किसी तरह की फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसमें ह्यूमैनिटी को सही रास्ता दिखाने की बात कही गई है। सबसे पहले इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी और कुछ बुक्स यूनानी भाषा में भी लिखी गई थी। बाइबल को सबसे पहले मूसा ने लिखा था। बाइबल में कहानियां, कविताएं, भजन और उपदेश लिटरेचर के फॉर्म में लिखे गए हैं। बाद में धीरे धीरे बाइबल का ट्रांसलेशन कई सेंचुरीज तक चलता रहा। सबसे पहले इसराइल के लोगों ने इब्रानी बाइबल का ट्रांसलेशन अरामेक में किया, जो इब्रानी लोगों की बोलचाल की भाषा थी, जिसका मकसद था लोगों को बाइबल आसानी से समझ में आ जाए और वो गॉड को समझ सके। उसके बाद यहूदियों ने यूनानी भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया। फिर 400 ईस्वी में सेंट जेरोम ने पूरी बाइबल का लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। प्रेजेंट में सैकड़ों भाषाओं में बाइबल को लिखा गया है। बाइबल के दो मेन पार्ट हैं। पहला है ओल्ड टेस्टमेंट, जिसे ज्यूइश पीपल यानी कि जुडाइज्म से लोग मानते हैं, जो ज्यूइश स्क्रिप्चर तनख्त का ही एक वर्जन है, जिसमें 23,214 नियम हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में यहूदी के प्राचीन इतिहास, रहन सहन और कल्चर के बारे में, उनके प्रेयर के तरीकों के बारे में पता चलता है। इस तरह से ओल्ड टेस्टमेंट यहूदियों की पूरी कहानी है, जिसमें यहूदियों की जीत से लेकर उनके गुलामी तक की कहानी लिखी है। बाइबल में इब्राहिम और मूसा जैसे ग्रेट लीडर्स के बारे में लिखा है, तो वहीं डेविड और सोलोमन जैसे ग्रेट किंग के बारे में जानकारी है।
लेकिन इसमें रिचुअल्स के बारे में ज्यादा लिखा है, जो कि आम लोगों की समझ से थोड़ी दूर है, जिसमें आंख के बदले आंख का जिक्र है। क्रिश्चियनिटी को जानने के लिए बाइबल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल ईसाइयों का सबसे बड़ा होली स्क्रिप्चर यानी कि पवित्र धर्म ग्रंथ है। बाइबल को 66 बुक्स को मिलाकर बनाया गया था। कहा जाता है कि बाइबल गॉड से इंस्पायर्ड है। बाइबल को लिखने के लिए गॉड की इंस्पिरेशन और इंसान की मेहनत दोनों शामिल हैं। क्रिश्चियंस बाइबल को वर्ड्स ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर के शब्द भी कहते हैं। क्रिश्चियंस इसमें लिखी हर बात को ईश्वर के शब्द मानते हैं। ह्यूमैनिटी और ज्यूज के लिए ईश्वर ने जो कुछ भी किया उसकी हिस्ट्री और डिस्क्रिप्शन के रिजल्ट के रूप में बाइबल इस स्वरूप में सबके सामने आई। बाइबल में किसी तरह की फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसमें ह्यूमैनिटी को सही रास्ता दिखाने की बात कही गई है। सबसे पहले इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी और कुछ बुक्स यूनानी भाषा में भी लिखी गई थी। बाइबल को सबसे पहले मूसा ने लिखा था। बाइबल में कहानियां, कविताएं, भजन और उपदेश लिटरेचर के फॉर्म में लिखे गए हैं। बाद में धीरे धीरे बाइबल का ट्रांसलेशन कई सेंचुरीज तक चलता रहा। सबसे पहले इसराइल के लोगों ने इब्रानी बाइबल का ट्रांसलेशन अरामेक में किया, जो इब्रानी लोगों की बोलचाल की भाषा थी, जिसका मकसद था लोगों को बाइबल आसानी से समझ में आ जाए और वो गॉड को समझ सके। उसके बाद यहूदियों ने यूनानी भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया। फिर 400 ईस्वी में सेंट जेरोम ने पूरी बाइबल का लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। प्रेजेंट में सैकड़ों भाषाओं में बाइबल को लिखा गया है। बाइबल के दो मेन पार्ट हैं। पहला है ओल्ड टेस्टमेंट, जिसे ज्यूइश पीपल यानी कि जुडाइज्म से लोग मानते हैं, जो ज्यूइश स्क्रिप्चर तनख का ही एक वर्जन है, जिसमें 23,214 नियम हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में यहूदी के प्राचीन इतिहास, रहन सहन और कल्चर के बारे में, उनके प्रेयर के तरीकों के बारे में पता चलता है। इस तरह से ओल्ड टेस्टमेंट यहूदियों की पूरी कहानी है, जिसमें यहूदियों की जीत से लेकर उनके गुलामी तक की कहानी लिखी है। बाइबल में इब्राहिम और मूसा जैसे ग्रेट लीडर्स के बारे में लिखा है, तो वहीं डेविड और सोलोमन जैसे ग्रेट किंग के बारे में जानकारी है, लेकिन इसमें रिचुअल्स के बारे में ज्यादा लिखा है, जो कि आम लोगों की समझ से थोड़ी दूर है, जिसमें आंख के बदले आंख का जिक्र है, मतलब जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। जबकि न्यू टेस्टमेंट क्रिश्चियन रिलीज की बाइबल है, जो कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग पर आधारित है, जो लिखी गई जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद, जिसे आज क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले लोग फॉलो करते हैं, जिसमें 7,959 वचन हैं। इसमें शुरुआत में चार बुक भी लिखी गईं, ये हैं मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, जिन्हें गॉस्पल्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गुड न्यूज। ये चारों बुक 70 AD से 100 AD के बीच में लिखी गई। इन गॉस्पल्स के अंदर जीसस क्राइस्ट के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। न्यू टेस्टमेंट बाइबल में रिलीजन, ह्यूमैनिटी, सैक्रिफाइस और प्यार की बातें लिखी थी, जो कि आम लोगों की समझ की भाषा थी। जीसस की डेथ के बाद क्रिश्चियन रिलीजन बहुत फैलने लगा था। क्रॉस के निशान को हाथों में लिए पादरी और सेंट बाइबल के मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे थे। साथ ही जीसस क्राइस्ट के शिष्यों ने कुछ लेटर्स भी लिखे हैं, जिन्हें एपिस्टल कहा जाता है, जो कि न्यू टेस्टमेंट का ही पार्ट है, जिसमें लिखा गया है कि चर्च को किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, पोप की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और एक क्रिश्चियन को किस तरह से इस धर्म को फॉलो करना चाहिए। साथ ही इनमें ये भी लिखा है कि क्रिश्चियनिटी के क्या क्या नियम हैं। बाइबल में प्रेयर करने के नियमों के बारे में साफ लिखा हुआ है, साथ ही कौन सी प्रार्थना की जाए इसकी भी जानकारी बाइबल में है। क्रिश्चियन धर्म में प्रेयर गॉड से कनेक्ट होने का इम्पोर्टेंट जरिया है, जो कि हर रिलीजन में होता है। प्रेयर के जरिए अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाई जाती है। क्रिश्चियनिटी में लोग चर्च में जाकर जीसस की प्रेयर करते हैं। क्रिश्चियंस मानते हैं कि प्रेयर के जरिए आप सीधे गॉड से जुड़ सकते हैं। हर धर्म की तरह क्रिश्चियन धर्म में लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्रिश्चियनिटी में प्रेयर करने का वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जीसस ने अपने 12 शिष्यों को सिखाया था। बाइबल में जीसस ने कहा है कि ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए
कोई समय या जगह की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्थिति में प्रेयर कर सकते हैं। जीसस कहते हैं कि हर इंसान को अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए, फिर चाहे वो गुनाह छोटी ही क्यों ना हो। इसलिए आज हर चर्च में एक कन्फेशन एरिया होता है, जहां लोग किए गए पापों के लिए गॉड से माफी मांग सकते हैं। यूं तो बाइबल बहुत बड़ी है और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ईसाई धर्म का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब यहां बात आती है कि आखिर क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत कैसे हुई। वैसे ये तो आप जानते ही हैं कि जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म बनाया, लेकिन ये रिलिजन आम लोगों तक सबसे ज्यादा फैला उनकी डेथ के बाद, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ, तो क्रिश्चियन धर्म का ओरिजिन जुडाइज्म से हुआ, यानी कि वो लोग जो यहूदी धर्म को मानते थे। क्रिश्चियनिटी से पहले जुडाइज्म को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता था, जो कि एक गॉड के होने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर इंसान के रूप में कभी भी जन्म नहीं लेंगे। इसराइल से लेकर सीरिया तक जुडाइज्म फैला हुआ था। जुडाइज्म को फिलॉसफी के लोग फॉलो करते थे, लेकिन रोमन एम्पायर जुडाइज्म को कंट्रोल करते थे। कल्चरली और पॉलिटिकली रोमन एम्पायर का जुडाइज्म पर पूरा कंट्रोल था। इस धर्म को काफी बदलाव की जरूरत थी, जिसे जीसस क्राइस्ट ने बदला और क्रिश्चियनिटी एक नया रिलीजन बनकर उभरा। जीसस क्राइस्ट यहूदी प्रीस्ट की व्यवस्थाओं से नाराज थे। उनका मानना था व्यवस्थाएं इंसानों के लिए बनाई जाती हैं, ना कि इंसान व्यवस्थाओं के लिए बनाया गया है। यहूदियों की थिंकिंग ऑर्थोडॉक्स थी। उनके रीति रिवाजों ने इंसान को बांध कर रख दिया था। जीसस लगातार यहूदियों की इन व्यवस्थाओं का विरोध करते रहते थे। उन्होंने ओपनली यहूदियों के पापों और उनकी कमियों को उजागर कर दिया। बाद में क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म से बहुत आगे निकल गया। यहूदी लोग जो जुडाइज्म को मानते हैं, वो लोग कर्म और डिसिप्लिन की बात ज्यादा करते थे। क्रिश्चियनिटी ऐसा धर्म बनकर उभरा जो लिबरल था। जीसस क्राइस्ट को ईसाई धर्म में सन ऑफ गॉड कहा जाता है। यहूदी ये बात कभी नहीं मानते थे कि ईश्वर कभी इंसान के रूप में भी जन्म ले सकता है। यहूदी कट्टरपंथी यीशु के भगवान के बेटे के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। यरूशलेम में उस समय रोमन एम्पायर का कब्जा था और रोमन एम्पायर क्रिश्चियन रिलीजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो क्रिश्चियन धर्म को इलीगल घोषित करने में लगे हुए थे। इस धर्म को मानने वाले लोगों को सजा मिलती थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन और उनके रिजरेक्शन के 50 दिन बाद जब पहला चर्च बना, जिसे डे ऑफ पेंटेकोस्ट कहते हैं, तो धीरे धीरे लोगों के थॉट्स बदलने लगे। यरूशलेम में पहले ही बहुत सारे लोग जीसस पर भरोसा करते थे। उनकी टीचिंग्स को वो अपना चुके थे। तो चर्च बनने के बाद क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि क्रिश्चियन रिलीजन बहुत लिबरल था। लोग जीसस क्राइस्ट के मिरेकल्स को समझने लगे थे। इस वजह से जुडाइज्म को मानने वाले लोग भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने लगे। उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते थे, वो भी जीसस के चमत्कारों की वजह से क्रिश्चियन धर्म फॉलो करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी के मिशनरी ग्रुप्स बनने लगे। जीसस के शिष्यों और पोप ने इस धर्म को पूरी तरह से फैलाया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यहूदियों पर रोमन एम्पायर का कब्जा था। क्रिश्चियनिटी से पहले रोम में लोग मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। वो प्रकृति को देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सूरज और प्लैनेट्स को वो लोग अपना देवता मानते थे, यानी कि रोम में एक नहीं बल्कि कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इस प्रकृति और ग्रहों की वजह से ही जीवन है। इस धर्म को पेगनिज्म कहा जाता था और इसे मानने वाले पेगन्स कहलाते थे। इसी वजह से फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी में रोमन एम्पायर के जो किंग हुए, उन्होंने इस क्रिश्चियन रिलीजन को पनपने से रोकने की पूरी कोशिश की। 54 CE से लेकर 96 CE तक नीरो और डोमिटियन का राज था। उस वक्त उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद समय बदला और जब 280 CE से 337 के बीच में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन जब किंग बने, तो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करना शुरू किया। ये वो दौर था जब रोम में क्रिश्चियन धर्म फॉलो किया जाने लगा। इसके बाद
क्रिश्चियन रिलीजन के फैलने की जोरों शोरों से शुरुआत हुई। रोमन एम्पायर, जो पहले कैथोलिक रिलीजन से नफरत किया करता था, वो 380 एडी तक आते आते क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन बताने लग गया। रोमन एम्परर थियोडोसियस ने ये डिक्लेयर किया कि पोप और बिशप रोमन कैथोलिक चर्च के हेड होंगे। वेटिकन सिटी में आज पोप का पद सबसे बड़ा माना जाता है, जिस पर कभी रोमन एम्पायर का कब्जा था। समय के साथ साथ क्रिश्चियन रिलीजन में कुछ बदलाव भी आए हैं, क्योंकि पोप, जो कि चर्च का हेड होते हैं, उनके पास पावर्स थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिश्चियन धर्म में अपने हिसाब से कुछ बदलाव किए। जीसस कहते थे, इंसान को अपने पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए। लोग चर्च में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, लेकिन चर्च में पापों से मुक्ति के लिए भी पैसे लिए जाने लगे, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। तब एक ऐसे इंसान सामने आए जिन्होंने पोप से सवाल करना शुरू किया, जिसका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने पोप को चैलेंज किया और कहा कि हम पोप की हर बात को स्वीकार नहीं करेंगे। 1517 में मार्टिन लूथर ने एक थीसिस लिखा और चर्च के पोप से 95 सवाल किए। उन्होंने कहा कि बाइबल ने आपको सारे राइट्स नहीं दिए हैं, और लोगों तक उनकी बात पहुंचने लगी। हालांकि चर्च के पोप ने पूरी कोशिश की उनकी बातों को दबाने की। बाद में ईसाई धर्म तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला था रोमन कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट और तीसरा ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक धर्म को फॉलो करने वाले लोग रोम के पोप को अपना हेड यानी धर्मगुरु मानते हैं। कैथोलिक धर्म में पोप का पद बहुत पावरफुल माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। कैथोलिक चर्च के पोप सेंट पीटर के इनहेरिटेंट माने जाते हैं, क्योंकि सेंट पीटर को जीसस क्राइस्ट ने पहली बार चर्च का पोप बनाया था। सेंट पीटर जीसस के डेथ के बाद लगातार 25 सालों तक कैथोलिक रिलीजन का प्रचार करते रहे, लेकिन किंग नेरो के टाइम में इन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया गया था। प्रोटेस्टेंट, पॉपुलेशन के लिहाज से ये क्रिश्चियनिटी का दूसरा बड़ा रिलीजन है। प्रोटेस्टेंट रिलीजन सबसे पहले 16th सेंचुरी में सामने आया था, जिसे बनाया था जर्मन टीचर मार्टिन लूथर ने, जिन्होंने मसीही इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। उनका मानना था कि क्रिश्चियन धर्म में कई बदलावों की जरूरत है। मार्टिन लूथर के हिसाब से चर्च के पोप अपना काम ऑनेस्टी के साथ नहीं कर रहे थे। जो चर्च के पोप कर रहे हैं और जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। उन्होंने चर्च में चल रहे करप्शन का विरोध किया। उन्होंने चर्च के पोप से कई सवाल किए थे। मार्टिन लूथर के इन थॉट्स ने कई लोगों को अट्रैक्ट किया, जिसके चलते प्रोटेस्टेंट एक नया रिलीजन बनकर उभरा। लेकिन उस समय चर्च के पोप बहुत पावरफुल होते थे, तो उन्होंने मार्टिन लूथर की थिंकिंग उनके खिलाफ समझा और उनकी लिखी सारी बुक्स को जला दिया। लेकिन मार्टिन लूथर की डेथ के बाद उनके बनाए इस धर्म का फैलाव तेजी से हुआ और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा प्रोटेस्टेंट रिलीजन को फॉलो करने लगा। आज के टाइम में करीब 1 बिलियन लोग इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। प्रोटेस्टेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग बाइबल को ही सब कुछ मानते हैं। उनका मानना है कि गॉड के पास जाने के लिए हमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भी गॉड से बात कर सकते हैं, जो कि जीसस क्राइस्ट ने भी अपनी टीचिंग में कहा है। ऑर्थोडॉक्स वो हैं जो रोम के पोप में बिलीव नहीं करते। वो पोप को अपना लीडर नहीं मानते हैं और ना ही उन्हें फॉलो करना जरूरी समझते हैं। उनके हिसाब से क्रिश्चियनिटी के बेसिक लॉ ही उनके लिए काफी हैं। वो बाइबल के हिसाब से चलते हैं। ऑर्थोडॉक्स चर्च के हेड अलग होते हैं। हर चर्च का अपना जियोग्राफिकल टाइटल होता है, जो कि इनके कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाता है। ऑर्थोडॉक्स एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसमें ऑर्थो का मतलब है राइट यानी सही, और डॉक्सा का मतलब है बिलीफ यानी विश्वास। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है राइट थिंकिंग या सही विश्वास। ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन ईस्टर्न रोमन एम्पायर से डेवलप हुआ है। कैथोलिक की तरह ऑर्थोडॉक्स भी जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं, लेकिन इनके प्रेयर करने के अलग तरीके होते हैं। पूरे वर्ल्ड में करीब 260 मिलियन लोग ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ बातें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ग्रुप्स में भी सेम थीं। ये दोनों ही रिलीजन एक ही गॉड में विश्वास करते थे। दोनों ही ग्रुप्स बिलीव करते हैं कि जीसस गॉड के बेटे हैं। और उसके बाद बात आती है ट्रिनिटी की, जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही धर्म के फॉलोअर विश्वास करते हैं।
ये तो थी क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री कि कैसे क्रिश्चियन रिलीजन बना और बाद में अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो अब बात करते हैं कि भारत में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत आखिर कब से हुई। ऐसा कहा जाता है कि भारत में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत साउथ इंडिया के केरला से हुई। जीसस क्राइस्ट के जो 12 शिष्य थे जिन्होंने पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को फैलाने का काम किया, उनमें से एक शिष्य सेंट थॉमस 92 एडी यानी कि 6th सेंचुरी में केरल के कोडुंगुर आए थे, जहां उन्होंने 7 चर्च बनवाए और यीशु के उपदेशों को, उनकी टीचिंग को लोगों तक पहुंचाया। वो करीब 10 साल तक यहां रहे। सेंट थॉमस जिस समय भारत आए थे उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज में ईसाई धर्म नहीं था। इससे कहा जा सकता है कि भारत में ईसाई धर्म पहले ही आ गया था। भारत में करीब 3 करोड़ लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। गोवा, केरल और मिजोरम में ईसाई धर्म को मानने वाले बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस केरला में हैं, जहां सेंट थॉमस ने प्रचार किया था। होली वॉर फॉर रिलीजन, एक ऐसा होली वॉर जिसने जिंदगियां बदल दी। रिलीजन के नाम पर हुई इस वॉर ने पूरे यरूशलेम को बर्बाद करके रख दिया। एक समय था जब यरूशलेम पर यहूदियों का राज था, लेकिन बाद में वो मुस्लिम के हाथ में चला गया था। ये शहर मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन तीनों रिलीजन के लिए बहुत खास है और ये सभी इसे अपना मानते हैं, जिसका नतीजा ये क्रूसेड यानी होली वॉर या धर्म युद्ध रहे हैं। क्रॉस से बना क्रूसेड शब्द और क्रूसेड लड़ने वालों को कहा गया क्रूसेडर्स। 1096 से लेकर 1291 तक टोटल 8 क्रूसेडर्स हुए थे, जो कि करीब 300 सालों तक चले, जिनमें रिलीजन के नाम पर हजारों लोगों की मौत हुई। लेकिन 1096 से लेकर 1191 तक जो शुरुआत के 3 क्रूसेडर्स हुए वो सबसे ज्यादा खतरनाक थे। पहला क्रूसेड यरूशलेम में हुआ था। क्रिश्चियंस यरूशलेम को होली लैंड मानते थे। उनका कहना था कि जीसस इस जगह पर पैदा हुए और यहीं पर उनका आखिरी समय भी बीता, इसलिए यरूशलेम उनका है। लेकिन 11वीं सेंचुरी में यरूशलेम पर मुस्लिम रूल कर रहे थे। यरूशलेम के किंग उस समय सेल्जुक टर्क्स थे, लेकिन क्रिश्चियंस चाहते थे कि अब यरूशलेम को वापस लिया जाए, जिसमें चर्च ने पूरा साथ दिया। अब पोप अर्बन टू कैथोलिक चर्च के हेड बने, तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और समझाया कि यरूशलेम उनके गॉड की जगह है। यही जगह पाथ टू सल्वेशन है, यानी मुक्ति की जगह है, क्योंकि उस समय चर्च बहुत पावरफुल हुआ करते थे, तो पोप की बातों का लोगों पर असर हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ था कि साल 1096 में पहला क्रूसेड लड़ा गया। इस समय क्रूसेडर्स ने बहुत फाइट की। बिना खाना और पानी के वो लगातार आगे बढ़ते रहे और होली किंगडम यरूशलेम समेत एडेसा, एंटियो और त्रिपोली पर क्रूसेडर्स ने कब्जा कर लिया और क्रूसेडर्स यहां से रूल करने लगे। ये होली वॉर करीब 4 सालों तक चला और साल 1099 में खत्म हुआ। कैथोलिक्स की ये सबसे बड़ी विक्ट्री साबित हुई और यरूशलेम उनके हाथ में आ गया। उसके बाद दूसरा क्रूसेड हुआ साल 1147 से लेकर 1149 तक, जिसमें मुस्लिम्स जिहाद छेड़ देते हैं और एडिसा पर कब्जा कर लेते हैं और इसमें मुस्लिम की जीत होती है और यरूशलेम फिर से क्रिश्चियंस के हाथ से चला जाता है। उसके बाद फिर से यरूशलेम को पाने की कोशिश शुरू होती है। तीसरा क्रूसेड लड़ा गया 1189 से 1192 में। क्रूसेड के इतिहास में इसे सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये होली वॉर हुआ 2 दिग्गज राजाओं के बीच में। मुस्लिम को लीड किया सुल्तान सलाउद्दीन और क्रिश्चियंस को लीड किया रिचर्ड दी लेनहार्ट ने। तीसरा क्रूसेड शुरू होने का सबसे बड़ा कारण था यरूशलेम पर फिर से मुस्लिम्स का कब्जा। सलाउद्दीन ने साल 1187 में यरूशलेम पर फिर से कब्जा कर लिया। सलाउद्दीन ने इजिप्ट, अरेबिया और सीरिया को मिलाकर बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी। उसके बाद 1189 में यूरोप के रिचर्ड दी लेनहार्ट ने यरूशलेम को फिर से हासिल करने के लिए तीसरा क्रूसेड शुरू किया और प्लानिंग बनाकर अटैक किया और यरूशलेम के पास एकड़ और जाफा सिटी पर विक्ट्री हासिल कर ली।
उसके बाद सलाउद्दीन को डर सताने लगा कि अब यरूशलेम उसके हाथ से चला जाएगा। सितंबर 1192 में रिचर्ड दी लेन हर्ट अपने सेना के साथ यरूशलेम जा पहुंचे, लेकिन उन्होंने यरूशलेम पर हमला नहीं किया बल्कि सलाउद्दीन के साथ मिलकर एक ट्रीटी ऑफ जाफा साइन की, जिसमें ये कहा गया कि यरूशलेम में क्रिश्चियंस को आने दिया जाए क्योंकि ये उनका होली लैंड है। जब क्रिश्चियंस यरूशलेम आए तो उन पर किसी तरह का हमला ना किया जाए। सलाउद्दीन रिचर्ड दी लेन हर्ट की इस बात को मान गया और उसने भी ट्रीटी ऑफ जाफा की सभी शर्तों को मानते हुए साइन कर दिए। इस तरह से तीसरे क्रुसेड में ना किसी की हार हुई और ना किसी की जीत। अब जानते हैं चौथे क्रुसेड के बारे में, जो कि 1202 से 1204 के बीच में लड़ा गया, जिसका मेन मोटिव था यरूशलेम पर फिर से कब्जा करना। लेकिन पोप इनोसेंट III, जो कि इस क्रुसेड को लीड कर रहे थे, उन्होंने इस मिशन को डाइवर्ट कर दिया और क्रुसेड को कॉन्स्टेंटिनोपल भेज दिया। वो बाइजेंटाइन अंपायर की कैपिटल थी। इसका मकसद था एलेक्सिस III को राजा बनने से रोकना। भयंकर लड़ाई के बाद यहां क्रुसेडर्स जीत जाते हैं। 1208 से लेकर 1271 के बीच में बहुत सारे क्रुसेडर्स हुए, जिनमें कई वॉर लड़े गए। 1291 आते आते क्रुसेडर्स पूरी तरह से खत्म हो गए। डेफिनेटली बाद के होली वॉर में क्रुसेडर्स यानी क्रिश्चियन होली वॉरियर्स को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कई बार मुस्लिम्स पर हमला करने और उन जगहों पर रूल करने से क्रिश्चियनिटी की रीच बहुत बड़े एरिया में हो गई। सभी जगह पर क्रिश्चियन धर्म फैल गया, लेकिन चर्च, जो खुद को बहुत पावरफुल समझते हैं, अब इस हार की वजह से उन पर भी सवाल उठने लगे थे। लोग सवाल करने लगे कि धर्म लोगों की रक्षा के लिए होता है और लोगों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। सभी क्रुसेड्स में यरूशलेम सेंटर पॉइंट था। हर कोई उस पर कब्जा करना चाहता था और साल 1095 से लेकर आज तक यरूशलेम सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेस है, क्योंकि ये जगह तीन धर्मों का मिश्रण है। कभी इस जगह पर जोइश का राज था तो रोमन एम्पायर ने भी इस जगह पर काफी लंबा समय बिताया और कई सालों तक मुस्लिम ने यरूशलेम पर राज किया, लेकिन आज तक यरूशलेम को लेकर विवाद जारी है। इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही यरूशलेम को अपना बताते हैं। इन दोनों के बीच यरूशलेम को लेकर डिस्प्यूट बहुत पुराना है। इसराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी मानती है, जबकि फिलिस्तीन ईस्ट यरूशलेम को अपना मानते हैं। इतने क्रुसेड्स होने के बाद यरूशलेम को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है, लेकिन यरूशलेम से ही क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई, क्योंकि यहीं जीसस पैदा हुए और बड़े हुए और यहीं पर उनका आखिरी समय भी बीता। इस वजह से ये जगह क्रिश्चियन फॉलोअर्स के लिए होली लैंड है और इस होली लैंड में कई होली प्लेसेस हैं, जहां जाकर क्रिश्चियंस खुद को जीसस और गॉड के करीब पाते हैं। यरूशलेम दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेस है। इस जगह को जोइश, मुस्लिम और क्रिश्चियंस सभी अपनी जगह मानते हैं। क्रिश्चियंस के लिए यरूशलेम होली लैंड है, क्योंकि ये उनके सन ऑफ गॉड की बर्थ प्लेस है। इसी जगह पर यीशु ने अपनी पूरी लाइफ बिताई। जहां जहां पर यीशु ने अपना समय बिताया, वो सभी जगह क्रिश्चियनिटी में होली प्लेसेस हैं। उनके जन्म से लेकर उनके मरने तक हर वो जगह क्रिश्चियन धर्म के मानने वालों के लिए पवित्र धार्मिक स्थल हैं। क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा होली प्लेस चर्च ऑफ नेटिविटी है, जो कि बेथलेहम में है। बेथलेहम वही जगह है जहां पर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। ये चर्च यरूशलेम से करीब 10 किलोमीटर दूर है। होली लैंड पर ये चर्च सबसे पुराना है। ये चर्च बहुत ही ब्यूटीफुल और हिस्टोरिक प्लेस है। क्रिश्चियंस के लिए ये जगह पाथ ऑफ हेवन है। गोलगोथा या हिल ऑफ कैलवरी वो जगह है जहां पर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन किया गया था। ये जगह यरूशलेम की दीवारों के बाहर है। चर्च ऑफ फ्लैजेलेशन से लेकर चर्च ऑफ होली स्कल्पचर तक के पूरे रास्ते को दुख और पीड़ा का रास्ता कहा जाता है। चर्च ऑफ फ्लैजेलेशन वो जगह है जहां जीसस को सभी के सामने अपराधी मानकर उन्हें कोड़े मारे गए थे और इसी जगह से उनके कंधे पर क्रूस लादकर उन्हें गोलगोथा की पहाड़ी तक ले जाया गया। इस दौरान जीसस 9 जगहों से निकले थे
आज ये सभी 9 जगह क्रिश्चियंस के होली प्लेसेस हैं और इन सभी जगहों के बारे में चारों गॉस्पल्स में लिखा हुआ है। चर्च ऑफ लेजिलेशन भी क्रिश्चियंस का होली प्लेस है क्योंकि इसी जगह पर उनके गॉड यानी जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करने की सजा सुनाई गई थी। इस जगह पर आकर क्रिश्चियंस जीसस के सैक्रिफाइस को याद करते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए किए गए उनके कामों के लिए धन्यवाद करते हैं। इसराइल के यरूशलेम में चर्च ऑफ स्कल्पचर क्रिश्चियंस के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि 33वीं ईस्वी में इसी जगह पर क्रूसिफिकेशन के बाद जब जीसस की डेथ हो जाती है तो उन्हें दफनाया गया है, उसके बाद वो फिर से जिंदा हो गए थे। इस चर्च में वो चट्टान आज भी मौजूद है जहां यीशु को दफन किया गया था। कहा जाता है कि जीसस का अंतिम भोज स्थल भी यहीं पर था जिसे द लास्ट सपर कहा जाता है। रोमन कैथोलिक्स के लिए वेटिकन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है जो करीब 108 एकड़ में बसा हुआ है। यहाँ का राजा कैथोलिक चर्च का पोप होता है। जीसस के 12 शिष्यों में से एक सेंट पीटर की कब्र भी इसी वेटिकन सिटी में है। यहीं से कैथोलिक क्रिश्चियंस के पोप का सिलेक्शन होता है। इंडिया में भी क्रिश्चियंस के होली प्लेसेस हैं, जिनमें से एक है सेंट थॉमस चर्च। 52 AD यानी कि 6th century में सेंट थॉमस ने इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया था। 72 में उनकी डेथ हो गई थी जिसके बाद चेन्नई के पास माइलापुरा में एक पहाड़ी पर उन्हें दफनाया गया था, जहां बाद में एक बड़ा चर्च बनाया गया था जिसे सेंट थॉमस चर्च कहा जाता है। जिस पहाड़ी पर यह चर्च है उसे थॉमस माउंट भी कहते हैं। क्रिसमस का फेस्टिवल क्रिश्चियंस के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। वो इस दिन को जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जीसस के जन्म की कोई डेट नहीं थी, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनका जन्म सर्दियों में हुआ था। इसी वजह से 25 दिसंबर को दुनिया भर में जीसस का जन्मदिन क्रिसमस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। रोम में पहली बार 336 में जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाया गया था, जिसके बाद पोप जूलियस ने ऑफिशियली जीसस का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाने का ऐलान कर दिया। तभी से ये दिन फेस्टिवल की तरह हर साल मनाया जाता है। क्रिश्चियन धर्म के लोग इस दिन धूमधाम से जीसस का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन सभी के चर्च में झांकियां लगाई जाती है जिसमें उनके जन्म को पोर्ट्रे किया जाता है और कई प्रोग्राम्स किए जाते हैं। चर्च को लाइट और डेकोरेटिव चीजों से डेकोरेट किया जाता है। कैथोलिक रिलीजन के फॉलोअर्स 12 दिन क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं जो कि 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक चलता है। इस दिन लोग अपने चाहने वालों को गिफ्ट्स देते हैं। पाम संडे वो दिन है जब क्रूसिफिकेशन के 1 week पहले जीसस यरूशलेम वापस लौटे थे। जीसस क्राइस्ट एक गधे पर बैठकर यरूशलेम आए थे। ये दिन ईस्टर के ठीक पहले वाले संडे को मनाया जाता है। इसी दिन से होली वीक की शुरुआत होती है जो कि ईस्टर तक चलता है। लोगों ने पाम ट्री की ब्रांचेस हाथों में लेकर उसे लहराते हुए उनका वेलकम किया था। उनके आने पर लोगों ने पूरे रास्ते में मखमली कपड़े बिछा दिए थे। जिस दिन यीशु यरूशलेम आए थे उस दिन संडे था और पाम ट्री की ब्रांचेस से उनका स्वागत करने के कारण इस दिन को पाम संडे कहा जाता है। इस दिन चर्च में प्रोग्राम्स होते हैं, बाइबल को सबके सामने पढ़ा जाता है और जीसस की टीचिंग को याद किया जाता है। गुड फ्राइडे को क्रिश्चियनिटी में बलिदान के दिन के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इस दिन ह्यूमैनिटी के लिए जीसस क्राइस्ट ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी। इस दिन जीसस क्राइस्ट को रोमन गवर्नर पिलातुस ने सूली पर लटकाए जाने की सजा सुनाई थी। उन्हें कोड़े मारे गए थे, कांटों का ताज पहनाया गया था, हाथों और पैरों में कील ठोक कर क्रूस पर टांग दिया गया था। लेकिन ये सब कुछ जीसस क्राइस्ट हंसते हंसते सह गए थे। उन्होंने इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं किया, बल्कि उन्होंने गॉड से प्रार्थना की कि वो इंसानों के इस गुनाह को माफ कर दें। इसलिए क्रिश्चियन फॉलोअर्स इसे गुड फ्राइडे कहते हैं क्योंकि अच्छे काम के लिए उन्होंने सूली पर चढ़ना भी कबूल कर लिया था। इस दिन हर साल चर्च में प्रेयर मीट रखी जाती है और जीसस की मेमोरी में प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। क्रिश्चियंस इस दिन व्रत रखते हैं। गुड फ्राइडे के दिन हर चर्च में
जीसस क्राइस्ट के वो 7 वचन बोले जाते हैं जो उन्होंने सूली चढ़ते वक्त कहे थे। ईस्टर वो एक दिन है जब क्रूसिफिकेशन के ठीक 3 दिन बाद जीसस क्राइस्ट जिंदा होकर वापस लौटे थे। यही क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन है। उनकी मौत के बाद जीसस का फिर से जिंदा हो जाना उनके पावरफुल होने का प्रूफ है, जिसने क्रिश्चियन को एक होप दी कि गॉड यानी कि ईश्वर उनके साथ हैं। ये दिन क्रिश्चियंस के लिए बहुत खास है क्योंकि इस दिन उनके मसीहा फिर से लौटे थे। जीसस के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उनके शिष्य जीसस की डेड बॉडी को अपने साथ ले आए और एक गुफा में रीति रिवाजों के साथ उन्हें दफन किया गया। 3 दिन बाद उनकी एक शिष्या मेरी मैग्दलेन यीशु की कब्र पर पहुंची। तब उसने देखा कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है और जीसस वहां पर नहीं है, केवल उनका कफन ही वहां पर था जिसे जीसस को दफनाते समय उड़ाया गया था। जीसस को वहां नहीं देखकर मैग्दलेन घबरा जाती है और वो वहां बैठकर रोने लगती है। तब यीशु पीछे से उसे कहते हैं कि तू क्यों रोती है, जिसे तू ढूंढ रही है वो तेरे पीछे है। इसके बाद जीसस अपने शिष्यों के बीच भी पहुंचते हैं जो उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। तो इस तरह से जीसस ने अपने मिरेकल का एक और सबूत दिया था। तभी से यह दिन उनकी याद में ईस्टर के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन बैप्टिज्म के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन क्रिश्चियंस बैप्टिज्म लेते हैं। चर्च के फादर चर्च में मौजूद सभी लोगों पर होली वाटर छिड़कते हैं। इस दिन लोग घरों को अच्छे से सजाते हैं। चर्च में प्रेयर मीट्स होती हैं। मोमबत्तियां जलाकर जीसस के दोबारा जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। चर्च में ज्यादातर कार्यक्रम भी संडे के दिन ही रखे जाते हैं। मॉन्डी थर्सडे, हर साल होली वीक के थर्सडे को क्रिश्चियंस मॉन्डी थर्सडे सेलिब्रेट करते हैं। मॉन्डी थर्सडे जीसस क्राइस्ट के अंतिम भोज यानी कि द लास्ट सपर की याद दिलाता है। द लास्ट सपर का जिक्र गॉस्पेल ऑफ ल्यूक के 22वें चैप्टर में भी मिलता है। क्रूसिफिकेशन के ठीक एक दिन पहले यानी कि थर्सडे को जीसस क्राइस्ट ने अपने सभी 12 शिष्यों के साथ खाना खाने की इच्छा रखी। तब उनके शिष्यों ने खाना बनाया और रात को सभी खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए। तब जीसस ने गॉड को खाने के लिए धन्यवाद कहते हुए अपना पूरा खाना शिष्यों में बांट दिया और अपने शिष्यों से कहा कि मेरे बाद तुम भी ऐसा ही करना और अपना खाना सभी के बीच में बांटना। इसके बाद जीसस उठे और अपने हाथ में एक पानी से भरा कटोरा और टॉवल लिया और एक एक करके अपने शिष्यों के पैर धोने लगे, जिससे यीशु अपने शिष्यों को ये मैसेज देते हैं कि अगर मैंने ईश्वर का बेटा होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। कोई इस संसार में छोटा या बड़ा नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने ये नमूना पेश किया। अगर ये सच तुम जान गए तब तुम भी गॉड के मैसेज को लोगों तक पहुंचा पाओगे। इस दौरान उन्होंने अपने साथ फ्यूचर में होने वाली क्रूसिफिकेशन की घटनाओं का भी जिक्र किया था और कहा था कि मैं फिर जिंदा होकर लौटूंगा। और उन्होंने अपने शिष्यों को ये सब इसलिए कहा ताकि जब वो घटनाएं हों जिसका जीसस ने जिक्र किया था तो लोगों को विश्वास हो जाए। और तभी ये दिन मॉन्डी थर्सडे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जीसस ने अपने शिष्यों के साथ आखिरी बार खाना खाया था। लोग इस दिन चर्च में प्रेयर करते हैं और अपने घरों में फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। ईस्टर से ठीक 40 दिन पहले के समय को लेंट कहा जाता है। क्रिश्चियन इस दौरान फास्ट रखते हैं। क्रिश्चियंस ये फास्ट जीसस क्राइस्ट के लिए अपने फेथ और ट्रस्ट दिखाने के लिए करते हैं, जिस यीशु ने लोगों के लिए अपना सैक्रिफाइस किया। लेंट एश वेंसडे के 40 दिन पहले से शुरू हो जाता है और ईस्टर संडे को खत्म हो जाता है। एश वेंसडे मॉन्डी थर्सडे के ठीक एक दिन पहले वाला दिन होता है। लेंट के 40 दिन के दौरान नॉनवेज खाना बिल्कुल मना किया जाता है। साथ ही इस दौरान क्रिश्चियंस अपना फेवरेट खाना भी छोड़ देते हैं। साथ ही इन दिनों में किसी तरह का नशा करना भी पूरी तरह से मना होता है। रोमन कैथोलिक का मानना है कि ये 40 दिन प्रायश्चित के दिन होते हैं। इस दौरान लोग बाइबल पढ़ते हैं और यीशु की कही बातों को याद करते हैं। लेंट की शुरुआत 4th सेंचुरी में हुई थी और तभी से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। क्या कभी जीसस क्राइस्ट भारत आए थे? ये सवाल काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में
जीसस ने यरूशलेम छोड़ दिया और जब वो 30 के हुए थे तो यरूशलेम वापस लौटे थे। लेकिन इन 18 सालों में जीसस कहाँ रहे और इस दौरान उन्होंने क्या किया जो कि लगभग उनकी पूरी जिंदगी थी, इसका बाइबल में कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता है। आखिर बाइबल में उनके इन सालों का हिसाब क्यों नहीं रखा गया? लेकिन जीसस के इन मिसिंग ईयर्स के बारे में लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दौरान जीसस क्राइस्ट ज्ञान की खोज में भारत आए थे। उन्होंने यहाँ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना। इन दिनों वो हिमालय के इलाकों में रहे। उनके इजिप्ट, लद्दाख और तिब्बत में रहने की बातें भी सामने आई हैं। अपनी लाइफ के 13 साल यहाँ बिताने के बाद जीसस फिर यरूशलेम लौट गए और वहां जाकर उन्होंने बैप्टिज्म लिया। कईयों चमत्कार किए। जैसा कि आप सभी को पता है, 33 साल की उम्र में जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया। उनके भारत आने की बातें इसलिए भी कही जाती हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस भी भारत के केरला आए थे, जहां उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया और करीब 7 चर्च स्टैब्लिश किए थे। लेकिन जीसस क्राइस्ट की लाइफ के कई सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट ये भी है, जो कि कितना सच है और कितना झूठ, इस पर हम अपनी राय नहीं रखते हैं। लेकिन जीसस के जीवन की दूसरी बातों पर जिस तरह से रिसर्च चल रही है, उसी तरह से उनके भारत में आने की बातों पर हिस्टोरियन और रिसर्चर्स पता लगाने में जुटे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।